Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, today I am going to teach you about the fillers. What is the fillers? A fillers hota kya hai bala? Wahi hum aaj sikhenge. So, let's start the class of the day. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट भी छोड़ देना. फ्रेंड्स, आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हो. फ्रेंड्स, लाइक करने से कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होता, बस हमारा मोटिवेशन अप होता है. ठीक है फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बनाता रहूँगा. फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं. फिलर्स, फिलर्स में फिलर्स होता क्या है भला? आप सोच रहे होंगे फिलर्स क्या होता है इंग्लिश में. फिलर्स मतलब हम हिंदी में इसको गैप गैप होता है ना, जब हम कभी कोई की चीज़ बोल रहे होते हैं, कोई बात बोल रहे होते हैं और दरमियान हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बोलते हैं उसको, तो उसके बीच में हम करते हैं ना, आई थिंक वेल क्या था वो, ऐसा हम हिंदी में करते हैं ना, तो उसी तरह से हम इंग्लिश में भी करते हैं और उसको इंग्लिश में हम फिलर्स बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ कहने वाले होते हैं और कहने के पहले याद नहीं आ रहा होता है तो जो भी हमारा एक्शन होता है वो फिलर्स कहलाता है, जो गैप होता है. कि जैसे किसी ने पूछा कि तुमको पता है वो कहाँ रहता है, मैं याद नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि कहाँ रहता है बट अचानक याद नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगा तो इस तरह से हाँ, ही लिव्स इन मुंबई, ऐसा हम गैप देते हैं. या हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, बीच में गैप आता है कि ही इज, फिर उसके बाद याद नहीं आ रहा है जो हमको कहना है, उस शब्द का इंग्लिश याद नहीं आ रहा है या वो शब्द याद नहीं आ रहा अच्छी तरह से, तो हम बीच में गैप देते हैं कि ही इज एडुकेटेड. इस तरह से इसको हम फिलर्स बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, हम सेंटेंस में जैसे वेल वेल सुना होगा आपने, वेल वेल करते हैं, तो वेल वो क्या है, वो एक फिलर्स है. वो वेल का मतलब वहाँ पे कुछ होगा नहीं, सिर्फ फिलर्स है वो. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से हम समझते हैं अच्छी तरह से सेंटेंसेस के द्वारा. जैसे किसी ने बताया, किसी को कोई बता रहा है कि राहुल के बारे में, तो राहुल इज एडुकेटेड. अब राहुल इज के बाद उसको क्या कहना है, उसका याद नहीं आ रहा है, उसको उसकी इंग्लिश याद नहीं आ रही है, वो शब्द याद नहीं आ रहा है कि क्या कहना था मुझे, तो उस बीच में जो गैप होता है और उसमें जो एक्शन होता है, हमारा जो साउंड निकलता है वेल आई थिंक इस तरह के बोलते हैं ना, तो वो फिलर्स कहलाता है. और इस तरह से हम एक सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम फिलर्स बोलते हैं, तो राहुल इज एडुकेटेड. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि फिलर्स होते क्या क्या हैं. तो मैं आपको आप स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि फिलर्स क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं. देखिए, तो ये सब थे फिलर्स. फिलर्स यही कहलाते हैं और इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं वही बता रहे हैं. तो पहला सेंटेंस था राहुल इज एडुकेटेड. तो पहला सेंटेंस है राहुल इज, उसके बाद जो भी कह रहा है वो भूल रहा है कि आगे क्या कहना है या आगे जो कहना है उसका इंग्लिश क्या होता है, वो शब्द कौन सा था, तो उसको हम गैप भरने के लिए का इस्तेमाल करते हैं. अभी राहुल इज एडुकेटेड. ओके, ये गैप जो है ना, यहाँ पर जो एक्शन हुआ, जो साउंड निकला, उसको हम फिलर्स बोलते हैं. राहुल इज, आई मीन राहुल इज के बाद वो क्या बोलना चाह रहा है उसको याद नहीं आ रहा है अचानक, तो वो बीच में आई मीन बोल देता है कि राहुल इज आई मीन एडुकेटेड. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई मीन हो गया फिलर्स. यहाँ पर राहुल इज यू नो, राहुल इज यू नो एडुकेटेड, तो यू नो हो गया फिलर्स, मीन्स राहुल शिक्षित है. राहुल इज
राहुल इज एक्चुअली एडवोकेटेड, तो एक्चुअली यहाँ पर हो गया फिलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, राहुल इज बेसिकली एडवोकेटेड, तो बेसिकली हो गया फिलर्स। ओके फ्रेंड्स, राहुल इज लाइक एडवोकेटेड, तो ये लाइक हो गया फिलर्स। जहाँ पर भी हम रुक जाते हैं, गैप होता है और उसको याद करने में लग जाता है, और उस बीच उस दरमियान जो वर्ड्स जो साउंड निकलता है या जो भी हम कुछ बोलते हैं उसको हम फिलर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम शुरुआत में जो फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो शुरुआत में हम भूल रहे हैं कि क्या बोलना था, मुझे याद कर रहे हैं, तो इस तरह से हम फिलर्स का इस्तेमाल हम शुरू में करते हैं। आई थिंक ही नोज मी, तो यहाँ पे हो गया फिलर्स। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है वेल, आई थिंक ही नोज मी, तो वेल हो गया फिलर्स। यहाँ पर है यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी, अब उसके पहले जब शुरुआत किया उसने बोलने से पहले तो भूल रहा था कि मुझे क्या कहना था, तो ऐसा बोलेगा आई मीन यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी। ओके फ्रेंड्स, तो आई मीन हो गया फिलर्स। ही इज यू नो, यू नो का भी आपने इस्तेमाल सीखा होगा कि ही इज यू नो वेरी क्लेवर बॉय, और ही इज यू नो ही इज नॉट ट्रस्टवर्थी, तो यहाँ पर हो गया यू नो इज द फिलर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फिलर्स हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि फिलर्स क्या कहलाता है और उसका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट, धन्यवाद।